ही घालून आज आपण करायचा शूट हा खूप मी तुला घालता म्हणजे मस्त ब्रँडिंग होते नी काय बात आहे मी सर्वीनाने ऍप्रन दिला नाही मला नुसता ऍप्रन नाही अजून पण एक बॅग दिला नाही चम्मच स्टँड दिला नाही आज तू त्या तीस सगळा वापर शूटला तीस वापरताय हो कधी गेलाय अरे वा मस्त आहे ना मॅचिंग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे आज हम दोबारा आए हैं आपा के घर पर और एक नई कोकनी रेसिपी लेकर कौन सी है रेसिपी वो आप देखेंगे इंशाल्लाह और ये रेसिपी ज्यादातर कोकनी शादी जब होती है गाँव में तब ये बनाई जाती है जब चिकसा होता है तब ये रेसिपी बनती है तो आप गेस कीजिए ये कौन सी रेसिपी है मिलते हैं आपा से और आपा पूरी रेसिपी हमें बताएंगे आपा चलो सब लोग इंतजार कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मेरा वीडियो आप लोगों ने पसंद किया तिलकुट की रेसिपी बहुत लोगों को पसंद आई और लोगों ने बहुत थैंक्स बोले हैं आपको कि वो लोग वेट कर रहे थे ना तिलकुट की रेसिपी किसी के पास नहीं थी रेसिपीज जो नॉन कोकनीज हैं उनको भी बहुत पसंद आई शुक्रिया शुक्रिया आपा तो आज फुल रेडी है आपा तो चैनल की ब्रांडिंग भी कर रही है एक्चुअली सबीना के ब्रांडिंग कर रही हूं मैं और दलवाई भाई की भी कर रही हूं वो ब्रांडिंग बहुत बहुत शुक्रिया रीम और दिलार भाईजान का जो इतनी अच्छी प्रिंटिंग की है सभी होम शेफ्स को ये डायरीज और सबीना शेख की तरफ से ये गिफ्ट हमने भेजा था एप्रॉन और चॉपिंग बोर्ड स्पून्स और रेसिपी डायरी सबको हमारी तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का हमने ये भेजा था तो बैग सब में अच्छी मुझे बैग लगी हाँ ये हमारी कोकनी जो औरतें होती है ना वो कोकनी औरतें क्यों बाकी सारी औरतें जो होती है इन जनरल सबको सबसे पहले वो जो बैग्स होती है ना वो बहुत पसंद आती है तो आज आप कौन सी रेसिपी जो चिकसा में बनती कौन सी रेसिपी आज बनती? मैं सुकरी बना रही हूँ जो कोकनी लोग वटना रहते है ना उस वक्त वो बना लेते हैं जो लोग आते है वटना के लिए चिकसा लगाने उनको देते हैं ये चाय के साथ चाय चिकसा लगा के फिर चाय के साथ में ये रेसिपी बनती है तो वो बना रही हूँ मैं आज इंशाल्लाह तो चले इंशाल्लाह शुरुआत करें अभी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपा सुकरी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे सुकरी बनाने के लिए सबसे पहले मेन है वो पोहे है अच्छा ये मैंने आधा किलो पोहे ली हूँ दो नारियल की चून है गिल्ले नारियल की ताजी फ्रेश वाली चून है और 400 ग्राम शुगर है अच्छा इलायची है जाफरान है और 400 ग्राम घी है अच्छा और ये पोहे को भिगाया हुआ है ना पोहे को धो के स्ट्रेन करना है अच्छा बस. तो ज्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए चिपचिपा नहीं होना चाहिए थोड़े खुले है ना ठीक है अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स को हमको मिक्स करना है हम सबको मिक्स कर रहे हैं पहले पोहा डालेंगे उसके बाद नारियल डालेंगे ये दो नारियल के चून है अच्छा इसको कोकनी में चून बोलते हैं हर डिश में नारियल होना जरूरी है कोकनी की शक्कर डाल रही हूँ मैं ये 400 ग्राम है उसके बाद इलायची की पाउडर फ्रेश इलायची की खुशबू अच्छी आती नहीं और जाफरान ये सब अभी डालने का एक दो चुटकी नमक और जाफरान और भी सबको मिक्स करना है
हमको उसका बघार करना है। ये इलायची कूट के और दालचीनी, ये दो बघार के लिए डालना है। और ये 400 ग्राम घी है। अभी इसमें हम दालचीनी के दो टुकड़े डालेंगे सिनेमन के, और इलायची कुटी हुई। अभी इसमें हम ये जो मिक्स किए हैं ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तुपा तो वास पहले से ही लो। साजुक तुपा तो वास ने मस्त। अंदर हम बादाम डाल रहे हैं, ये चारोली है वो भी डाल रही हूँ। ये पिस्ता है, ये भी डाल रही हूँ। और ये किशमिश है, ये सब डाल के मिला देंगे। जब शादी किसी के घर पे रहती थी, हाँ, तो एक कोई मीठी चीज दूसरे घर से चलिए लेकर चले जाते थे, तो उसको बोलते कि आंगाला घ्यून जाया, मतलब वो चिकसा जब उपटन जब लगाते थे दूल्हा या दुल्हन के घर पर, तो आंगाला घ्यून जाया था, तो उसमें कोई मीठी चीज बनाकर लेके जाते थे, तो उसमें सुकरी होती थी एक ये डिश है, फिर सुकरी पूरी पूरी जो बोलते भुजिया, तो उसके बहुत सारे नाम है, तो वो एक डिश लेकर जाते थे। फिर केक होते थे देसी, नॉट द लापसी, रवा भी बना के लेके जाते, हलवा बोलते थे, तो सूजी का हलवा, तो ये सब चीजें मीठा लेकर चले जाते थे दूसरे गांव वाले जो पड़ोसी होते थे वो उनके घर पे ये मीठी चीज लेकर जाते। अब इसको दम पे रख देंगे। कितनी देर रखना है? 10-15 मिनट। तो पोहा है बहुत जल्दी, पहले से एक्चुअली पका हुआ है, पका हुआ, तो वो ज्यादा वक्त भी नहीं लेगा। ये रेसिपी मेरी बहन अनिशा है ना, उसकी रेसिपी है, उसने मुझे दी है। हमारी सब जो बहने हैं सब टैलेंटेड है, सबकी एक स्पेशलिटी है, किसी की मसाला बनाने की स्पेशलिटी है, किसी की मीठे की स्पेशलिटी है, किसी की तेज तीखी चीजें बनाने की स्पेशलिटी है, तो सब टैलेंटेड बहने हैं हम। चिकसे के लिए तीखा भी बना के लेके जाते हैं, चना बटाटा, चिकन फ्राई, किधर किधर तो बकरे की टांग भी बना के लेके जाते हैं दूल्हे को, मसाला लगा के, नहीं पूरी पूरी रान बना के, हाँ, मसाला लगा के वो भी लेके जाते। अभी नया नया सब कुछ निकाले, लेकिन जो पुरानी चीजों, हाँ, की जो बात होती थी ना वो अलग ही है, वो अलग है। आजकल तो वो वाले केक्स लेके जाते हैं जो फॉन्डेंट और क्रीम, हाँ, और उसके केक्स होते, लेकिन पहले टाइम में तो वो सब चीजें, ये सब देसी खाने लेकर जाते थे शादियों में, किसी के घर शादी होती थी, तो ये सब चीजें ऑथेंटिक चीजें जो होती है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है, कुछ और होती है। आप सुकरी रेडी? हाँ, सुकरी बन के तैयार है, अभी हम प्याले में निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। वाह, क्या खुशबू आ रही। देखिए सुकरी रेडी हो गई है गर्मा गर्म, और हम अभी इसे टेस्ट करेंगे एज यूजुअल कस्टम है ये। तो टेस्ट करूंगा कैसी लगती थी, बरोबर बल्ली के ना दिशियत मस्त लगते। बिस्मिल्लाह। मस्त हो गई, याद आ गई। शक्कर भी बराबर हुई है, नहीं तो ज्यादा मीठी होती ना तो खाई नहीं जाती। इसके साथ चाय तो जरूरी है, चाय बना हम बैठ के इसका मजा लेंगे, इस रेसिपी का, चाय के साथ गरम गरम प्याले चाय, कपात चाय, गरम गरम कपात चाय आणि प्याला सुकरी, ही आमचा आजचा नाश्ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग भी जरूर बनाइए,
है ना, क्या बोलते हो? जरूर बना के देखिए रेसिपी को, मैंने पूरा मेजरमेंट दी हूँ इस तरीके से बनाई है और खाइए। और ये बहुत ही झटपट वाली रेसिपी स्वीट डिश है, कोकनी स्पेशलिटी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, और आपा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप भी जरूर बनाइए। तब तक हम मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नई कुकनी रेसिपी के साथ में। कौन सी होगी, गेस करते रहिए। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।